हम अंग्रेजी ट्रीटमेंट के बारे में भी गए थे, हमें 1.5 लाख डिमांड किया, 1.5 लाख लगेगा, प्लेट लगेगा इसमें। अच्छा अच्छा। तो कोई बताया कि वहाँ चले जाओ ठीक हो जाओगे, यहाँ 20-25 हजार के लगभग दरमियान में ही मेरा ट्रीटमेंट हो गया, 70% आराम महसूस हो रहा है। प्लेट में अगर किसी का एक हड्डी टूट जाता है तो प्लेट डालने में और ये सब करने में 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 तक खर्चा। ये पुराने जमाने को आप याद दिला रहे हैं सर, जंगल से उपलब्ध करवाते हैं। आप कब से प्रैक्टिस यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कितने दिनों से कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन, आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम पहुंच चुकी है अररिया के रानीगंज प्रखंड के पचीरा पंचायत में। यहाँ पे हम एक ऐसे डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो बहुत ही पुराने पद्धति पे इलाज करते हैं। और यहाँ पे छायाकार महोदय दिखाइएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग की भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पे क्या है कि पुराने पद्धति के द्वारा हड्डी जोड़ा जाता है और जिन लोगों को समस्या होती है उन लोगों के बांस के फट्टी के द्वारा जो पहले होता था और उस तरीके से उन लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है पुराने पद्धति के द्वारा। इसी क्रम में हम डॉक्टर साहब से भी हम पूछना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कितने दिनों से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम तो लगभग 12 साल से। 12 साल से कर रहे हैं। तो ये पुराने पद्धति को ही क्यों आपने चुना? जो पहले पूर्वजों करते थे जी जी जी, उसी समय से हम लोग का यह पूर्वजों तीसरा वर्ष तीसरा पीढ़ी से चल रहा है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इनका क्या प्रॉब्लम था? ये शोल्डर में प्रॉब्लम है जी जी जी। तो इसमें क्या करते हैं आप, जैसे कौन सा दवा डालते हैं और किस तरीके से? आयुर्वेदिक है, जड़ी बूटी से बनता है जी, जो हम लोग जंगल से उपलब्ध करवाते हैं करके, और उसमें करके, मिक्सिंग करवा के तब बना के लेप बनाते हैं। लेप यही है जी। लेप पे दिखाइएगा छायाकार महोदय, देखिए इसमें एकदम पूरा से एकदम लगी हुई है, पूरा से लगी हुई है, एकदम जड़ी बूटी पूरा से पैक है और यही जड़ी बूटी काम करता है इन लोगों के उपचार में। और यहाँ पे अभी हम बहुत सारे पेशेंट का भी हम लेंगे, जो पेशेंट कहाँ कहाँ से आए हैं और इनसे भी हम जानने का प्रयत्न करेंगे। आपका क्या नाम है? रंजीत कुमार मंडल। रंजीत कुमार जी कहाँ से आए हैं? सरसी से। कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से? यही 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर दूर। अच्छा, इसी चिकित्सा को आप क्यों चुने, यहाँ पे इलाज करवाने का सुझाव आपको किसने दिया? मेरा घर से खुद यहाँ 5-6% ठीक होके गया है, एकदम फुल फिट होकर के। फुल फिट यानी कि कोई परेशानी नहीं है उसको? परेशानी नहीं है। इसी क्रम में जानते हैं बहुत दूर से लोग आए हुए हैं, आपका क्या नाम हुआ? राजू गुप्ता। राजू गुप्ता। हाँ जी, सनो महावीर गुप्ता। कहाँ से हो गए? मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। मैं सिस्टर यहाँ रहती है अपना सुपौल जिले में, हम सिस्टर के पास आ रहे थे, ट्रेन जर्नी में कोई ऐसे चर्चा हो गई कि मैं सिस्टर के पास जा रहा हूँ, स्पेशली इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। तो वो बोला कि आप हड्डी का स्पेशलिस्ट है पचीरा, हमसे पचीरा तो देखे नहीं, कहते रानीगंज के आसपास है, अररिया जिले में। अच्छा। प्रखंड है। तो उसके बाद आप चले जाओ। नहीं, ये ग्रामीण चिकित्सा आप कर रहे हैं? ग्रामीण विकास पद्धति चिकित्सा के अनुकूल में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये पुराने जमाने को आप याद दिला रहे हैं सर, पुराने पद्धति। हाँ, चल रहा था जो लोग अभी भी भूल चुके हैं इन चीजों को। हाँ, तो बोन स्पेशलिस्ट हैं वो। अच्छा। डॉक्टर महेंद्र सिंह। अच्छा अच्छा। उनके लड़के हुए राजू मंडल, जो यहाँ के मुखिया भी हैं जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम उनकी सहूलत को सुन के हम आया, तो हमें तकरीबन 70% आराम की संभावना लगी। अच्छा, यानी कि कम से कम दाम में यहाँ पे आपका? हाँ, कम से कम। जो खर्चा होता है आजकल, तो खर्चा के बगैर कुछ होता नहीं। आने जाने का जो हमारा किराया लगा वो साथ में, यहाँ हर फैसिलिटी देते हुए कम पैसे लेकर के, जहाँ हम बाहर 1.5 लाख 2 लाख में करवाते वहाँ हमें 20-25 हजार में काम हो रहा है काम एकदम। और वो भी पुराने, इसका कोई साइड इफेक्ट? बस जो पूर्वज करते थे उस पद्धति से डॉक्टर साहब चल रहे हैं और उनका रिस्पेक्टेड मैं हूँ, आभारी हूँ। इतना दूर से 2000 किलोमीटर आकर के भी इनकी सहूलत को देखा। अच्छा, कहाँ कहाँ घर हो गया आपका? साथ में मैं हूँ बिहार का ही, लेकिन मैं 40-45 साल से मैं पंजाब में रह रहा हूँ। अच्छा, पंजाब। हाँ जी। तो यहाँ आकर के आपने प्रॉपर लुधियाना सिटी में?
तो इनकी शोहरत को देख करके भगवान करे कि इनकी शोहरत को देख करके और बढ़ावा देवे, ये मेरी दुआ है। और हमको तो लगभग पहली बार आए थे, हमें तो 70% की जो है पेशेंट को आराम मिला, तो इसके लिए हम कितने दिनों में, ये 10 दिन 12 दिन 12 दिन में। हाँ जी, सिर्फ यहाँ पे आपको हम दिखाए हैं जो 12 दिन में ऐसे ऐसे पेशेंट जो आप देख पा रहे हैं, और 12 दिन के अंदर में 70% ऑलमोस्ट इनका परेशानी क्लियर हो गया है। और देखते रहे कानूनी जंग न्यूज, और भी हम आपको हम दिखलाएंगे इस कड़ी में, और डॉक्टर साहब का भी इंटरव्यू लेंगे, डॉक्टर साहब से भी हम बात करेंगे, और उसके बाद में दिखाते रहेंगे। देखते रहे कानूनी, आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज, कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग की न्यूज की टीम पहुंच चुकी है अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड के पचीरा पंचायत में। यहाँ के मुखिया पुत्र से हम आपका मुलाकात करवाते हैं, और इसी कड़ी में हम क्या है कि देखें, यहाँ पे आने के क्रम में बहुत सारे पेशेंट का इनके घर पे तांता लगा हुआ, तो हम सोचे कि आखिर इतने सारे पेशेंट क्यों है भाई। और इसी कड़ी में हम देखें कि पुराने पद्धति से जो लोग छोड़ चुके हैं उस तरीके से कोई इलाज नहीं करते हैं। आज के डेट में अगर किसी का एक हड्डी टूट जाता है तो प्लेट डालने में और ये सब करने में 30,000, 40,000, 50,000, 2,00,000, 5,00,000 तक खर्च आता है। लेकिन हम एक ऐसे डॉक्टर से आपका मुलाकात करवाते हैं जो पुराने पद्धति से कम दाम में और इतना बेस्ट तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, जो एक्चुअल खर्च आता है, और वो भी प्राकृतिक तरीके से और जड़ी बूटी से, जो जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसी कड़ी में सर, डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू जी। आप अपना डॉक्टर साहब परिचय देंगे। मेरा नाम राजू कुमार मंडल है, पिता डॉक्टर महेंद्र प्रसाद मंडल जी। डॉक्टर साहब कब से आप इलाज कर रहे हैं? हम तो 10-12 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उससे पहले हमारा पापा करते थे। अच्छा, पिताजी भी समाज सेवा किया करते थे। समाज सेवा लगभग 30-40 साल से ही पद्धति चला रहे हैं। नहीं, आज के डेट में बहुत सारे डॉक्टर के पास में अगर कोई भी पेशेंट जाता है तो तुरंत कहता है कि प्लेट लगाओ, हड्डी वगैरह टूटा हुआ रहता है तो ये लगेगा वो लगेगा, इतना डरा देता है पेशेंट को कि वो डर के मार से पैसा निकाल करके तुरंत दे देता है। और आप मतलब तो उन लोगों का रोजी रोटी आप छीन रहे हैं। नहीं, हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। हम कोई डॉक्टर वर्ड से नहीं, बाकी एक ग्रामीण विकास पद्धति चिकित्सा के अनुकूल में हम यूज कर रहे हैं, कर रहे हैं काम। जैसे पुराने जमाने में हुआ करते थे वैद्य वगैरह जो ट्रीटमेंट करते थे, अब बड़ी तरीका से हम आपका देखे बांस के फट्टी का आप वो स्टील के तरह यूज करते। देखिए, मेडिकल लाइन में भी बॉन्ड सक्सेस है। जी जी जी। इलाज करने के लिए, मेहनत करने के लिए डॉक्टर सब चाहे तो वो भी प्लास्टर पर हड्डी जुटेगा, लेकिन अभी के दौर में शरीर में वैसा ग्रोथ पाया नहीं जाता है। जी जी जी। जो भी व्यक्ति का हड्डी टूटता है वो ग्रोथ कमी के चलते है। अच्छा, और सब कुछ खा रहे हैं, अभी खाद पदार्थ जैविक तो खाते नहीं है, अपना से उपज के कोई सब्जी खाइए और बाजार का सब्जी ला के खाइए तो आसमान धरती का फर्क होता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि खाद युक्त खाने की वजह से बोन कमजोर हो रहा है, जिसके चलते बोन मेरो जिसको कैल्शियम बोलते हैं कमी हो रहा, बोन टूट रहा है। एक्सीडेंट में हुआ तो जांघ टूट गया, पैर टूट गया, शोल्डर टूट गया, आर्म टूट गया। पेचीदा केस आपको किस टाइप के मिला? सबसे पेचीदा केस शरीर का सबसे मेन चीज है स्पाइनल। शरीर का मेन चीज है रीढ़, जो रीढ़ के बीच में दो नस पाया जाता है, मेरुदंड नस, जो शरीर का मेन चीज है। अच्छा, वैसे पेशेंट को भी आपने ठीक किया? हाँ, वैसे किए हैं, 10 ठो किए, 10 ठो में 1-2 का रिजल्ट आता, उसके बाद अनलिमिटेड रिजल्ट आता। लेकिन वैसे साधारण जिसका हाथ पांव टूट गया उसका ये सब 1 महीना में क्लियर हो जाता है, इस सब कोई दिक्कत नहीं। 10 दिन रखते हैं यहाँ, इलाज करके भेज देते हैं पूरा। मेरे चलते मेरे गांव में हर अपना रूम बना के बड़ा यूज करते हैं, जो बाहर से पेशेंट आए, जहाँ से भागलपुर, पूर्णिया, कहलगांव, उसके बाद मुंगेर, तारापुर। नहीं, अभी तो हम एक पेशेंट से मिले हैं जो लुधियाना से आए हैं। हाँ, लुधियाना से आए हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। अच्छा, वो उसमें कौन सी दवा यूज करते हैं? देखिए, हम लोग हर तरह का जड़ी बूटी जो पूर्वजों ने करते थे। पूर्वजों में क्या होता था कि उतना आज से 10-15 साल पहले इतना हड्डी नहीं टूटता था, क्योंकि उस समय खाद्य पदार्थ रासायनिक युक्त कोई यूज सब्जी नहीं खाते थे, गेहूं, दाल, चना, बिल्कुल, जो बिल्कुल। जो खेती अभी 1 एकड़ में 20 मन उपजाते हैं जी अभी। हाँ, और उस समय 1 एकड़ में 10 मन उपजता था, बिल्कुल उपज कम थी। उपज कम थी जी, बिल्कुल। खाद वगैरह का उपयोग ना के बराबर ही नहीं था, जो शरीर पर इतना इफेक्ट नहीं होता था जी, बिल्कुल। जिसके चलते ये कहानी हो रहा है, अभी शरीर कमजोर कर रहा है।
और आप उसके एवज में फिर वो प्लास्टर करने के बाद में दवा भी देते हैं? नहीं, एलोपैथी कुछ भी नहीं चलाते हैं। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, सारा आयुर्वेद। हाँ, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से, आयुर्वेदिक संग नहीं मतलब जड़ी बूटी के संग से, बस जड़ी बूटी से ही आप ठीक करते हैं। और उसके बाद जो है कुछ बोल देते हैं एलोपैथिक में, आप जाइएगा तो कैल्शियम टेबलेट यूज कर लीजिए कभी, अब जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है, या होम्योपैथिक में आप कैल्शियम यूज कर सकते हैं, उस साइड के लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब तक इलाज हम करते हैं एक भी दवाई एलोपैथिक से संपर्क नहीं रखते, नहीं रखते। अभी हम आपकी मुलाकात करवाए हैं डॉक्टर साहब से, और इनका देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। मैं आलोक रंजन, कैमरामैन रिजवान के साथ।